कुछ दिन पहले मैंने पार्लियामेंट में अदानी जी वाला भाषण दे दिया, देखा होगा आपने पार्लियामेंट में देखा। अब इनकी नई आदत है वो टीवी ऑफ कर देते हैं, पहले माइक ऑफ करते थे अब टीवी ऑफ कर देते हैं। तो पता नहीं आप में से सबने देखा या नहीं देखा, मगर बीजेपी वालों ने जरूर देखा। और उसके बाद मेरी जो लोकसभा की सदस्यता है उसे रद्द कर दिया। जैसे गाड़ी में एक्सेलरेटर दबाते हैं वैसे ही मेरे केस का एक्सेलरेटर दबा दिया और दो दिन में मतलब निर्णय ले ही दिया। पहली बार हिंदुस्तान में डिफॉर्मेशन के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की मेरी लोकसभा की जो मेंबरशिप है रद्द कर दी। क्योंकि क्योंकि डर लगता है, डर लगता है। जैसे ही दो चीजें हैं, आप एक काम करो, कांग्रेस पार्टी के बबर शेरों, कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता आपके सामने आए उससे उसके सामने अदानी नाम ले लो भग जाएगा। एक से उसको सामने खड़ा कर होगा आएगा वो कुछ भी कहे, आप उससे कहो भैया एक बात बताओ, ये आपके जो प्रधानमंत्री है इनके बीच में और अदानी जी के बीच में क्या रिश्ता है, बीजेपी वाला भाग जाएगा। तो पैनिक होता है, डर लगता है। उसके बाद दूसरा भाषण दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तारीखें आप मिला लीजिए। जैसे ही मैंने लोकसभा में भाषण दिया वैसे ही मेरे केस पर एक्सेलरेटर दबा दिया गया। उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल अखबार में अदानी जी के बारे में कहानी आती है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस दिन नरेंद्र मोदी जी ने स्पेशल सेशन लागू कर दिया।